Now, dear students, in the part third of the poem Car Driver, we have to solve its questions. Some of the questions asked are Question number one Why is the bulbul operate? Why does the bulbul hasten to its nest? यानी कि बुलबुल बुल डरी हुई क्यों है और वो अपने घोंसले की तरफ जल्द जाना क्यों चाहती है सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द बुलबुल इज बिकॉज द फॉरेस्ट इज इन द द्रोज ऑफ टेरर देयर इज फेयरफुल साइलेंस ऑल ऑल अराउंड in this fearful silence the bulbul hears some sound it is the sound of wheels and the sound of the crackling of leaves the bulbul hastens to its nest in order to take care of its four fledglings which are hungry and alone in the nest bulbul isliye deri hai क्योंकि जंगल में खौफ का माहौल है और हर तरफ एक खोफ वरास की खामोशी है और इस खौफनाक खामोशी में बुलबुल बुल कुछ आवाज सुनती है वो आवाज होती है पहियों की आवाज़ और जैसे पहियों पहियों के चलने से जो पत्ते टूटते हैं उनसे जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ यहाँ मुराद है और इसलिए बुलबुल अपने घोंसले की तरफ जाने के लिए जल्दी करती है ताकि वो अपने बच्चों के पास जिनको फ्लेजलिंग्स कहा गया है यानी जो फटफाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास पहुंचने के लिए जल्दी कर रही है होती है तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू आस्कर इज व्हाई डज द बुलबुल हाइड इन द बुशेस बुलबुल जाड़ियों में क्यों छुपती है इट्स आंसर इज इट हाइड बिहड द बुश बिकॉज इट डजेंट वांट टू बी नोट बाई एनी वन द बर्ड गेट्स टेरिफाइड ऑफ हियरिंग द साउंड ऑफ द व्हील्स ऑफ द काट बुलबुल झाड़ियों के पीछे छुप जाती है क्योंकि ये नहीं चाहती है कि कोई इसको देख ले क्योंकि ये खोफ इस पर तारी हुआ होता है और जो रेडियो के ये होते हैं उनके चलने की जो आवाज होती है उससे ये डरी हुई होती है देन क्वेश्चन नंबर थर्डर इज बुलबुल इमेजिन बुलबुल अंदाजा क्या करती है क्या ख्याल करती है क्या ख्याल आता है उसको इट इमेजनज द फॉरेस्ट ऑन फायर बुलबुल को ख्याल आता है कि अगर जंगल में आग लगी तो क्या हो हो जाएगा तो वही उसकी इमेजिनेशन में होता है देन द क्वेश्चन नंबर फोर इज वट फीलिंग डज बुलबुल्स इमेजिनेशन अराउज इन द रीडर्स रीडर्स में क्या इमेजिनेशन पैदा होती है बुलबुल के इस ख्याल से आंसर इज बुलबुल्स इमेजिनेशन एराउ इज इन द रीडर्स द फीलिंग ऑफ सेल्फ लेस लव एंड अटैचमेंट दैट ए मदर हेज़ फॉर इट्स यंग वनस मदर्स आर आलवेज वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रेन मोर दैन दम सेल्वज द इमेजिनेशन आल्सो एराउज इन द रीडर्स द फीलिंग सिंपैथी फॉर दर्ट तो बुलबुल की जो ये इमेजिनेशन जो उसका ख्याल है ये पढ़ने वालों में ये एक तासर पैदा करता है कि फीलिंग ऑफ सेल्फलेस लाव कि उसको एक लव और मोहब्बत होती है और जो उसको अपने बच्चों के साथ शफकत और लगाव होता है जैसे कि माएँ हमेशा अपने बच्चों के लिए परेशान रहती हैं और ये ख़्याल भी ये तासर भी पैदा होता है रीडर्स में कि उनको इस परिंदे के लिए इस बर्ड के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव Why इज अ poem named कार्ट ड्राइवर इस पोम का नाम ड्राइवर क्यों रखा गया है अगर च बुलबुल पर है तो कार्ट ड्राइवर क्यों इसका नाम रखा गया है It is the car driver's irresponsible behavior that petrifies the bulbul. The poet conveys his message through the folly of the car driver from the beginning. We also see the mother bird work hard to feed her young ones, but it is only at the arrival of the car driver that we come to know. द एक्सटेंट ऑफ लव ए मदर हैज़ फॉर द चिल्ड्रेन दियर फॉर द पोइम हैज़ बी नेम्ड काराइवर दरअसल ये कार्राइवर जो है यानी रेडा चलाने वाला जो है जो बेलों की आ, मदद से रे, रेडा चलता है उसकी गैर जिम्मेदारी है और उसी की वजह से तनाव पैदा हो जाता है बुलबुल बुल के जहन में और जो जो माजरा होता है जैसे कि आपने पोम में पढ़ा तो ये कार ड्राइवर की वजह से ही होता है कि उसकी उसका हुक्का अगर गिर जाए तो उसके जहन में ख़याल आता है तो एक माँ को अपने बच्चों के बारे में ख़दशात पैदा हो जाते हैं तो यही वजह है कि पोइम का नाम कार ड्राइवर रखा गया है देन अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस What images does the poet use to create an atmosphere of fear and silence in the poem? An atmosphere of fear and silence is created by the following images in the poem. The images are fearful silence of the forest, ears pricked to pick some sound, throes of fear, hookah overturns. द फॉरेस्ट ऑन फायर कांट लिफ्ट इट्स लेग साउंड ऑफ पाज बुलबुल ट्रम्बल एंड द बुलबुल हाइडस इन द बुश कि इन इमेज के जरिए ये समझाया गया है कि एक एटमोसफेयर ऑफ फेयर एंड साइलेंस इन द पोईम कैसे क्रिएट किया गया है फेयर साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट फेयरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट फॉरेस्ट की साइलेंस है लेकिन फेयरफुल साइलेंस है ये एक आ, इमेज यहाँ पे यूज की गई है ईयर्स स्प्रिक टू पिक सम साउंड कान खड़े हो जाना थ्रोज ऑफ फेयर खोफनाक माहौल हुका ओवर टर्नस जो हुका है वो ओवर टर्न हो जाता है उलट उलट हो जाता है उसका द फॉरेस्ट ऑन फायर और कांट लिफ्ट इट्स लेग तो ये जो uh, कुछ इमेजेस हैं इनको इस्तेमाल किया गया है बतौर पोइटिक डिवाइसेस तो इस तरह से बच्चों ये पोइम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं तो इनशाला अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी बेस्ट ऑफ लक भी अमान